एवरीबॉडी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जनवरी 2022 का बुलेट जर्नल स्प्रेड शेयर करने जा रही हूँ। इस बार के स्प्रेड के लिए मैंने ये वाले कलर यूज़ किए हैं और इसके अलावा मैंने वॉशी टेप्स का भी यूज़ किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। I can't believe that it is already last week of year 2021. If we can say new year 2022 start ho jayega. I wish you very happy new year. I wish ki ye saal sabke liye happiness aur joy leke aaye. This is the perfect time to plan our life and to make new year resolution. So isi thought ke saath start karte hain is saal ka pehla bullet journal spread, January 2022 bullet journal spread. आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरी पुरानी बुलेट जर्नल की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने हाल में ही एक 2022 बुलेट जर्नल स्प्रेड की जो है नई वीडियो बनाई है, सो आप प्लीज़ उसको भी चेक कीजिए। मेरी जनवरी 2022 बुलेट जर्नल स्प्रेड के कवर पेज पे मैंने मंथ का नाम मेंशन करा हुआ है और मैंने इस मंथ की जो थीम रखी है उसमें मैंने रैंडम शेप्स ड्रॉ की हुई हैं। और इस मंथ की जो मेरी कलर स्कीम है उसमें मैंने मेजरली 4 कलर्स का यूज़ किया है, रेड, ऑलिव, ऑरेंज एंड ब्राउन कलर। और उसके अलावा मैंने 2 मार्कर यूज़ किए हैं, स्कोरा पिग्मा का माइक्रोन 05 और क्लीन कलर डॉट का मैंने मार्कर यूज़ किया है इन कलर गोल्ड। और मैंने राइट हैंड साइड पे एक सिंपल सा मंथली कैलेंडर बनाया है जिसमें कि ऊपर मैंने डेज की इनिशियल मेंशन करे हैं और डेट्स लिखी हैं। और उसके अलावा मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो है एक कोट लिखी है कि फॉटरिंग योर सेल्फ यू आर ग्रोइंग, सो दैट कि ये कोट जो है मुझे मोटिवेटेड रखे टू लर्न न्यू थिंग इन दिस ईयर। आई होप कि आपको मेरी ये बुलेट जर्नल की वीडियोस अच्छी लग रही हों और आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिल रही हो, सो दैट कि आप भी अपने डेज को बेटर वेज में प्लान कर सकें। क्या होता है ना कि हम लोग इन चीज़ों को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, हमें लगता है दैट दिस इज़ टाइम वेस्ट और फालतू की चीज़ों का रिकॉर्ड रख के क्या होगा, या फिर ये उन लोगों के लिए है जिनके पास फालतू का टाइम है। ऐसा नहीं है, अगर आप अपने टाइम को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि टाइम सबके पास होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हो और आप कौन सी चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटाइज करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बुलेट जर्नलिंग ही करें, हो सकता है कि सिंपल जर्नल जो है वो आपके लिए काम कर जाए। द आइडिया इज़ कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रोडक्टिव रखने में जो है वो आपकी हेल्प कर रही हैं। आपको इस तरह से अपनी जो है डे टू डे लाइफ को प्लान करना है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहें और ये आपको प्रोडक्टिव होने में जो है वो हेल्प करें। और बुलेट जर्नल का एक फ़ायदा ये है कि हर एक इंसान का बुलेट जर्नल जो है वो अपने हिसाब से वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह का बुलेट जर्नल स्प्रेड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके साथ आपके लिए भी वो काम कर जाए। आप अपना बुलेट जर्नल अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आप लास्ट 2 ईयर्स को देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करके देखें कि कौन सा चीज़ें जो हैं वो हमें हैप्पीनेस देती हैं, हमें जॉय देती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती या फिर जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट रखती हैं। तो आप इन चीज़ों का ट्रैक रखिए सो दैट कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जो है वो मोटिवेटेड रख सकें, अपने आप को प्रोडक्टिव रख सकें लाइफ में। Flipping over to the next spread is Habit Tracker. Those of you who don't know or who are curious to know कि Habit Tracker क्या है तो उनको मैं एक आइडिया दे देती हूँ। Habit Tracker just एक spread है जिसमें कि आप जो भी habits हैं अपनी life में, day to day life में जो भी आप जिनको include करना चाहते हो या existing habit है जिनको कि आप improve करना चाहते हो, आप इसमें उनको include कर सकते हैं। वो कोई भी habit हो सकती है,
इट मे बी वर्कआउट, इट मे बी ईटिंग हेल्दी फूड, या जो भी आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तो आप उनको इसमें मेंशन कर सकते हो और आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। एट द एंड ऑफ द मंथ आप चेक करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी हैबिट्स है जिन पे कि आपको काम करने की ज़रूरत है, या कौन सी हैबिट है जिन पे कि आपने ऑलरेडी इम्प्रूव किया है। सो मैंने जो है इस मंथ की जो मेरी हैबिट्स है जिनको मैं जिनका ट्रैक रखना चाहती हूँ, उसमें से 5 हैबिट्स मैंने इस बार चूज़ की हैं, उसमें कि प्रोडक्टिविटी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वर्कआउट, और मैं जैसे कोरियन सीख रही हूँ तो उसका भी मैंने एक स्प्रेड बनाया है तो कोरियन स्टडीज़ करके, ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन से डे पे मैंने कौन सी हैबिट को फॉलो किया हुआ है। नेक्स्ट जो मेरा स्प्रेड है वो है मूड ट्रैकर का स्प्रेड। इसमें मैं थ्रू आउट द मंथ मेरा जैसा भी मूड रहेगा उसका मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड रखूँगी। इसके लिए मैंने मंथ के जितने भी डेज़ हैं उसका मैंने यहाँ पे एक रैंडम शेप्स में ड्रॉ किया हुआ है पर्टिकुलर डे को, और जिस दिन मेरा एट द एंड ऑफ द डे जैसा भी मूड होगा, मैंने हर एक मूड को जो है डिफरेंट कलर्स से ड्रॉ करके रखा है, ताकि मैं डिस्टिंग कर पाऊँ कि कौन सा मूड जो है कौन से कलर को डेजिग्नेट करता है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा जैसा भी मूड होगा, मैं उस पर्टिकुलर कलर से उस डे को कलर कर दूंगी, जिससे मुझे एक आइडिया रहेगा कि थ्रू आउट द मंथ मेरा मूड जो है किस तरह का रहा और कौन सी चीज़ों को मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फ्लिपिंग ओवर टू द नेक्स्ट पेज, मेरा जो सेकेंड लास्ट जो बुलेट जर्नल का स्प्रेड रहता है वो हमेशा ही मंथली एक्सपेंस का स्प्रेड रहता है। मैं मंथली एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखती हूँ और इससे थोड़ा एक आइडिया होता है आपको कि आपका जो जितना भी पैसा है वो कहाँ जा रहा है, आप कहाँ पे अपने पैसे को जो है वो स्पेंड कर रहे हो। तो उसके लिए मैं जैसे मैं आपको पहले भी पुराने बुलेट जर्नल स्प्रेड में शेयर कर चुकी हूँ, मैं दो हिस्सों में डिवाइड करती हूँ मंथली एक्सपेंस को, जिसमें कि वन साइड मेरी रहती है फॉर द एसेंशियल एक्सपेंसेस, जैसे कि हमारी ग्रोसरी होगी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, या जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है जो कि एसेंशियल है आपके लिए, लाइक हाउस रेंट या फिर बच्चों की एजुकेशन का जो फीस जाती है, वो सब चीज़ें एसेंशियल एक्सपेंस में आती हैं। और जो मेरा दूसरा वाला पोर्शन रहता है वो रहता है शॉपिंग एक्सपेंसेस के लिए, जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा जो है वो शॉपिंग के ऊपर या चीज़ों के ऊपर जो स्पेंड करते हो, तो उससे आपको एक डिस्टिंक्टिव आइडिया होता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों पर जो है अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, कौन कौन सी चीज़ों पे खर्च किया है। ताकि अगर मान लो आप में ऑब्सेसिव शॉपिंग की आपकी हैबिट हो या कोई आदत आप छुड़ाना चाहते हो, तो आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे आप जो है वो अननेसेसरी स्पेंड कर रहे हो और कहाँ पे आपकी माइंडफुलनेस शॉपिंग आप कर रहे हो। तो इट इज़ गुड टू कीप ट्रैक ऑफ दोज थिंग्स, जिससे कि आपका मंथली बजट भी आपके कंट्रोल में रहता है और आप इसको अच्छे से मैनेज कर पाते हो। सो दिस इज़ माई फाइनल बुलेट जर्नल स्प्रेड ऑफ दिस मंथ। इसमें मेरा जो लास्ट स्प्रेड रहता है वो होता है वीकली बुलेट जर्नल स्प्रेड। इसमें मैं वीक के
के जितने भी डेज हैं उनको मैं यहाँ पे जो है मेंशन करूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। तो उससे क्या रहता है कि आपके जो भी डेज के टास्क होते हैं या जो भी आपकी टू डू लिस्ट होती है, आप उसको डेज के हिसाब से उसके नीचे आप जो है उसको राइट डाउन कर सकते हो, ताकि कोई भी काम जो है आपका मिस ना हो। आप अपने डेज के जितने भी टास्क हैं उनको आप एक स्मॉल स्मॉल टास्क में जो है वो डिफरेंशिएट कर सको, ताकि आपका दिन प्रोडक्टिव रहे और आप अपने डे को अच्छे से प्लान कर सको। तो इसके लिए मैंने हर एक डेज के लिए एक अलग सा कॉलम बनाया हुआ है, और पर्टिकुलर डे पे मेरा जो भी टास्क रहेगा या जो भी काम मुझे उस दिन करना है तो मैं उसको उसमें मेंशन कर दूंगी, और एट द एंड ऑफ द डे जो भी मेरा टास्क फिनिश हो जाएगा तो मैं उसको जो है कॉलम को टिक कर दूंगी। तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैंने फिनिश कर दी और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं मुझे अभी फर्दर करनी है। तो इससे आपका दिन एक प्रोडक्टिव डे रहता है और आपको थोड़ा आइडिया भी होता है कि आपने पर्टिकुलर डे पे कहाँ पे अपना टाइम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। इट्स टाइम फॉर द फाइनल फ्लिप थ्रू। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।